तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। पंजाब की 109 नगर निकाय, नगर पंचायत और 7 नगर निगम के लिए हुए मतदान की मतगणना जारी है। कांग्रेस पार्टी ने मोगा, होशियारपुर, अबोहर, बठिंडा और कपूरथला नगर निगम जीत ली है। पठानकोट और बटाला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी आगे बनी हुई है। वहीं मजीठिया नगर निकाय की 13 में से 10 सीटें शिरोमणि अकाली दल ने जीत ली है। इसके लिए मतदान 14 फरवरी को हुआ था। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर राज्य में किसानों के प्रदर्शन के बीच हुए चुनाव में 71.39% मतदान दर्ज किया गया है। मंगलवार को कई बूथों पर दोबारा से चुनाव करवाया गया। इनके नतीजे भी आज ही जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही मोहाली नगर निगम के बूथ नंबर 32 और 33 पर आज 8 से 4 बजे तक दोबारा से चुनाव होंगे। इनकी मतगणना गुरुवार को की जाएंगी। इस बार 9,222 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में सबसे ज्यादा 2,831 निर्दलीय उम्मीदवार है, जबकि पार्टी के तौर पर देखें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 2,037 उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस के मुख्तसर के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही भाजपा ने केवल 1,003 उम्मीदवार ही खड़े किए हैं। इस बार पार्टी अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के बिना चुनाव लड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल अपने 1,569 उम्मीदवारों का चुनाव लड़वा रही है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया था कि संवेदनशील और अति संवेदनशील वार्डों में गणना के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर बूथों पर कब्जा और हिंसा में लिप्त होने का आरोप लगाया है। राज्य में ऐसे समय में चुनाव करवाए गए जब केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान भी शामिल हैं। इस दौरान करीब 150 किसानों की धरने के दौरान अलग अलग वजहों से मौत हो चुकी है।